नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के साथ लगते गांव कोलड़ी वाल में कलयुगी पिता ने 6 महीने की बच्ची को मारकर जमीन में गाड़ा, बेटे की थी चाहत। जंडियाला गुरु में गत रात्रि 2 पक्षों में हुई लड़ाई, 5 नौजवान गंभीर रूप से हुए घायल। नाभा की नई जिला जेल में से 4 मोबाइल, 1 ग्राम चिट्टा और 20 ग्राम सुल्फा किया गया बरामद, पुलिस जांच में जुटी। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के साथ लगते गांव फोलड़ी वाल में एक कलयुगी बाप ने 6 महीने की बच्ची को मारकर जमीन में गाड़ दिया। हत्या से पहले मासूम के साथ रेप की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी बाप को गिरफ्तार कर शव को बरामद कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ACP जालंधर कैंट बब्बन दीप सिंह ने बताया कि शव फोलड़ी वाल में पानी की टंकी के पास में से बरामद किया गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी अर्जुन की पत्नी ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका पति बेटी को पसंद नहीं करता था, वह उससे बेटे की चाहत रखता था, लेकिन बेटी होने के बाद उसका रवैया बदल गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 24-25 अक्टूबर की रात को बड़ी मनभागी सानू एक न्यूज़ मिली सी फुलड़ीवाल पिंड तो, जिथे कि सानू पता लग्या सी कि एक 6 महीने की बच्ची जो कि बहुत ही बीमार दसी गई कि किसी माड़ी अवस्था के जल्दी तो जल्दी सिविल होस्पिटल शिफ्ट किया गया, वेयर शी वॉज डिकलेयर ब्रॉड डेड। माननीय कमिश्नर साहब जी तो सिटी 2 साहब की हदायतों के उत्ते असी अलग अलग टीमों का गठन करके असी जिहड़ा हैगा इहदे विच मर्डरर जिहड़ा आ उहदी भाल करनी शुरू की सी, जिस दे तहत इसकी जिहड़ी मदर सीगी बच्ची की उन्हें बयान दिता सीगा कि मेरे हसबेंड ही जिहड़े ने जिन्होंने मेरे नाल भी कुटमार की है, तो मैनू शक है कि उन्होंने मेरी बच्ची को मार दिता है, जिस दे तहत वो प्रवासी भारतीय होने के करके सानू शक सीगा कि वह बंदा अपनी स्टेट छड़ के भजना जाए, जिहदे तहत असी अलग अलग पुलिस टीम्स अलग अलग चौंकियां दीआं टीमां बना के रेलवे स्टेशन ते बस स्टैंड दे उत्ते मोबिलाइज़ कीतीआं सीगीआं। ते इहदे विच थाणा सदर दी पुलिस ने बहुत ही स्विफ्टली एक्ट करदे होए ते बंदे नूं नैप कर लिया ते उहनूं असी फुलड़ीवाल तों अरैसट कर लिया सीगा। ते इस दे उत्ते 302 दा मुकदमा दर्ज कर दिता हैगा प्रिमा फसाई। इस तों इलावा असी मेडिकल जो रिपोर्ट आएगी बच्चे दी उहदी वेट कर रहे हैं ते अगली जिहड़ी भी कानूनी कार्रवाई है वो अमल विच लांदी जाए। जंडियाला गुरु के वार्ड नंबर 7 में गत रात्रि 2 पक्षों में हुई भयानक लड़ाई के कारण एक पक्ष के लगभग 5 नौजवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 3 व्यक्तियों को मानावाला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि 1 नौजवान की हालत को गंभीर देखते हुए उसे गुरु तेग बहादुर अस्पताल अमृतसर में भेज दिया गया है। वहीं इस लड़ाई के दौरान 5 मोटरसाइकिलों को बुरी तरह से तोड़ दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही चंडियाला गुरु चौकी इंचार्ज दविंदर सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से ज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और छापामारी की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। अपने 2 लड़कियों की पहलों पटेल नगर झगड़ा होया वार्ड नंबर 7 के लड़कियों के नाल, उन्होंने कहा मुड़के बाद जिहड़ा हैगा भी असी साडे होर किसी नाल झगड़ा ही भी तुसीं जिहड़ा हैगा भी नजायज़ मुड़े कह जाओ ते झाडे जो भी हैगा वा झाडा नुकसान होया भी तुसीं आ जाओ साडे कोल ते झाडा नुकसान असीं भर देणा है। ये मुंडे फिर गए उत्थे इन्हां नूं अपने नुकसान वास्ते भी उहदे जो भी बने दा पैसे लैण वास्ते, उत्थे फिर 11-12 लड़कियां ने जिहड़ा हैगा इन्हां नूं कुटमार की है ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਨਾ पंजाब सरकार की ओर से पंजाब में चिट्टे को खत्म करने के चाहे लाखों दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब यह चिट्टा जेलों में भी सरेआम सप्लाई होना शुरू हो गया है, जिसकी ताज़ा मिसाल देखने को मिली नाभा की नई जिला जेल में, जहां से 4 मोबाइल, 1 ग्राम चिट्टा और 20 ग्राम सुल्फा बरामद किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नाभा के SHO प्रियांशु सिंह ने कहा कि इस मामले संबंधी वे सभी को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर सख्ती से पूछताछ करेंगे कि यह मोबाइल
कहां से आए और किसके द्वारा सप्लाई किए गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने 52A प्रिजन एक्ट और NDPC की धारा के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। हाँ जी, कल असी 3 पर्चे दर्ज किए हैं, जिदे 4 मोबाइल फोन ते अपना 1 ग्राम चिट्टा ते 20 ग्राम सल्फा। ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮਿਲੀ ਭੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਅੰਦਰ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 20 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਲਫਾ ਅਤੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ 21-85 NDPS ਅਤੇ 52 ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। पंजाब में लगातार ही चोरों के हौसले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे और चोरों ने लगातार ही पुलिस की नाक में दम करके रखा हुआ था, जिसके चलते अमृतसर देहात पुलिस की ओर से पुलिस पार्टी थाना चाटीविंड के इलाके में दौरा करते समय उन्हें एक गुप्त सूचना मिली कि लवप्रीत सिंह अमृतसर में चोरी की मोटरसाइकिल बेचने का काम करता है, जिसके तहत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी के 5 मोटरसाइकिल, 2 एक्टिवा और 6 मोबाइल फोन बरामद किए और थाना चाटीविंड में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। तो वहीं SP देहात तेजवीर सिंह हुंदल ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि लवप्रीत सिंह के खिलाफ पहले भी मोटरसाइकिल चोरी का एक मामला दर्ज है और वह जमानत पर बाहर था। वहीं SP देहात ने बताया कि इस मुकदमे की अगली जांच के दौरान एक और आरोपी लालजीत सिंह, जो कि लवप्रीत सिंह का साथी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे में से 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। वह आरोपी लालजीत सिंह के खिलाफ पहले भी अलग अलग थानों में आबकारी और NDPS एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज थे। वहीं उन्होंने कहा कि आरोपियों के पास से और वाहन बरामद करने और उनके संबंधों का पता लगाने के लिए अगली जांच की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एक गैंग जेड़ा सीगा वो साडे एरिया दा जो अलग अलग जगह तो मोटरसाइकिल वगैरह चोरी करते सी और लोगों ने मोबाइल खोंदे सी, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੀਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 2 ਐਕਟਿਵਾ, 6 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ NDPS ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬੇਲ ਲੈ ਕੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਕੋ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲੂਟ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ 3 ਆਰੋਪੀਓਂ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ACP ਕੈਂਟ ਬਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਕੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਹਾਲੀਆ ਨਿਵਾਸੀ ਡੇਰਾ ਗਾਉਂ ਉਧੋਪੁਰ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਆਕਰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਥੇ ਕਿ ਵਹ ਦੁਪਹਿਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਕਰ ਉਦੇਪੁਰ ਰੋਡ ਪਰ ਜਾ ਰਹਾ ਥਾ। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान उसे रोक कर उससे उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए थे, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने जसकरण उर्फ करण निवासी बगीची मोहल्ला जमशेर, किशन कुमार उर्फ किशन निवासी मेन बाजार जमशेर और ऋषि निवासी गांव उमरेवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से लूट का मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 3 बंदे जी अपने माननीय कमिश्नर साहब वालों एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी, जिदे विच कि असी जिहड़े माड़े अंसर ने उन्होंने जां कोई चोरियां जां कोई अपने खोह करदे ने उहदी स्पेशल ड्राइव जिहड़ी चलाई गई थी, उहदे तहत वी सक्सीडेड टू नैप 3 इंडिविजुअल। 3 लड़के असी ढोडे सप्लाई के गेट के लागे काबू किए, जिहड़े कि मोबाइल खो रहे सन, जिन्हों के उत्ते असी मुकदमा दर्ज किया है 177 नंबर 379B34 IPC के तहत। तो 3 बंदों को गिरफ़्तार करके इन्हों तो पूछगिछ की जा रही है, जिन्होंने कि एडमिट किया है कि इन्होंने इस तो इलावा 24 मोबाइल होर खोए तो चोरी किए सन। वी आर ट्राइंग टू ट्रेस दोज मोबाइल्स। इस तो इलावा इन्हों तो पूछगिछ की जाएगी कि होर कोई जड़िया ने कोई चीज़ा चोरी कीतिया ने या वेचिया ने,
ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਕੇ 14ਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਕੇ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਮੇਂ ਜਾਕਰ ਪੰਗਤ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕੇ ਲੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਕੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਵੀ ਜਾਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 'ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 9 ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਲੈਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੋਂ ਸੇ ਲੇਕਰ ਅਬ ਤੱਕ ਕਈ ਬਦਲਾਵ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ ਮੇਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਪੁਰਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਤਥਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੋਂ ਕੋ ਪੱਕਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੇ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗਾਇਕੀ ਮੇਂ ਔਰ ਅਬ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਕਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਨੇ ਕੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇ ਤਨ ਮਨ ਸੇ ਨਿਭਾਏਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਪਾਵਲੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਥਾ ਤੋ ਵਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੀਪਾਵਲੀ ਕੇ ਦਿਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੇ ਗਾਓ ਗੁੱਗ ਭੇਟ ਕਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਗਮ ਮੇਂ ਡੁੱਬਾ ਹੁਆ ਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਮੇਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨੋਂ ਸੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਕੋ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਨਕੋ ਨਾ ਤੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਬਤਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਾਥ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਉਸਕੀ ਪਤਨੀ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਸਕੇ 13 ਵਰਸ਼ ਕੇ ਬੇਟੇ ਔਰ 15 ਵਰਸ਼ ਕੀ ਬੇਟੀ ਕਾ ਰੋ ਰੋ ਕਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ 3 ਵਰਸ਼ ਕਾ ਥਾ ਜਬ ਉਸਕੇ ਪਿਤਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਥੇ। ਅਬ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨੋਂ ਸੇ ਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਕੋ ਵੀ ਤਰਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਹੀਂ 15 ਵਰਸ਼ ਕੀ ਬੇਟੀ ਜੈਸਮੀਨ ਕੋ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਭੀ ਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵੀ ਥੀ ਔਰ ਅਬ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨੋਂ ਸੇ ਉਸਕੇ ਪਿਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਵਹੀਂ ਮਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਛੋੜ ਕਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਉਸ ਪਰ ਅਬ ਜਰਨੈਲ ਕੋ ਗਾਇਬ ਕਰਨੇ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ।
जरनैल सिंह के पिता सुलखन सिंह का आरोप है कि जसप्रीत कौर के किसी और के साथ गलत संबंध थे, जिसकी वीडियो भी जरनैल ने बनाई थी। जरनैल 12 जनवरी 2022 को जर्मन से पुर्तगाल आया और उसके बाद से लापता है। उसका पासपोर्ट और सभी कपड़े पुर्तगाल घर में ही हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। जरनैल के पिता ने यह भी कहा कि उनकी बहू ने ही उसे गायब किया है, क्योंकि जरनैल उनके संपर्क में था और अंतिम बार जब पुर्तगाल में अपने घर आया तो उसने कहा कि वह घर पहुंच गया है। इसके साथ ही उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। तो वहीं अब दोनों बच्चे और बुजुर्ग पिता सरकार से रो रो कर गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे और पिता को ढूंढने में उनकी मदद की जाए। वहीं जसप्रीत के पंजाब आने पर उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत की, लेकिन पंजाब पुलिस भी उनकी एक नहीं सुन रही। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम सुखविंदर सिंह, मेरे फादर का नाम जरनैल सिंह, मेरे पापा 10 साल तो पुर्तगाल पक्के सके, तो है मैं 10 साल हो गए मैं अपने पापा ने नहीं देखा। मैं उदो 3 साल का सी जो मेरे पापा बहर गए सी, तो हूँ 11 महीने हो गए मैं अपने पापा ने गल नहीं की। तो है पहला तो वीडियो कॉल से ज पापा की फोटो वेखी सी, तो हूँ 10 महीने 11 महीने हो गए मैं अपने पापा को आवाज़ भी नहीं सुनी मैं अपने पापा जी की। मैं भारत सरकार को यही गुजारिश करता वा कि मेरे पापा मैं मिल जाए, जे तुम नहीं कुछ कर सकते तो मैं परमिशन दे दो, मैं अपने पापा आप ही पुर्तगाल जाके मैं उन्होंने भाल कराँगा तो अपने पापा मिलागा। मेरे मम्मा लड़ाई कर दें पापा ना, इसलिए मम्मा ने चुका दिता उन्होंने। नंबर ने साढ़े उधर उधरी मिस चलते रहते हैं, वो कहते हैं कि अं भाल कर रहे हैं एडवोकेट कट्ठे कर रहे हैं, ये गल्ला सानू दस दिन जिन्ना असं मैस पाने जो सानू को मैस पा देंगे ने असी वो सुन लेने उन्हों का। भारत सरकार असी बेनती करने भगवंत मान सरकार कि बड़ी चंगी सरकार है कि मैनू मेरा पुत्र जड़ा है ये कह के विदेश मंत्री तो मेरा पुत्र जड़ा है ये मैनू लभ के दे दे असी भी अखा तो रह गए हाँ, साड़ी 66 साल की उम्र है दोवे जिया की, तो असी भी अपने पुत्र तरसने अभी बड़ा रोने रात दिन। गुरुद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौक अड्डा हुशियारपुर जालंधर की ओर से श्री गुरु नानक देव जी की चरण छो प्राप्त धरती श्री करतारपुर साहिब पाकिस्तान के दर्शनों हेतु एक बस गुरु घर के सेवादार मक्खन सिंह की अगुवाई में जयकारों की गूंज में रवाना हुई। इस मौके पर ग्रंथी सिंह भाई पवनीत सिंह ने अरदास के उपरांत यात्रा आरंभ करवाई। इस अवसर पर बीबी गुलशन कौर कोहली, बीबी कुलविंदर कौर विरदी, बीबी राजदीप कौर, प्रधान अमृतपाल सिंह भाटिया, जत्थेदार सरदारा सिंह मक्कड़, बूटा सिंह भाटिया, वरिंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। वहीं चेयरमैन परमजीत सिंह भाटिया ने सभी को सिरोपा देकर रवाना किया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। धन धन श्री गुरु नानक देव जी प्रकाश पुरब को समर्पित अज गुरद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा अड्डा हुशियारपुर तो श्री करतारपुर साहब की यात्रा वास्ते बस रवाना की जा रही है। अज दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौंक अड्डा हुशियारपुर विखे श्री करतारपुर साहब गुरु नानक साहब जी की प्राप्त धरती शो वो संगत अज हुम हमा के गुरपुरब के संबंध में अज करतारपुर का जत्था इतों रवाना हो रहा है, जिस दे परमजीत सिंह हीरा भाटिया, प्रधान अमृतपाल सिंह भाटिया, सरदारा सिंह मक्कड़ के सारे के सहयोग प्रबंधक कमेटी के सहयोग के नाल मक्खन सिंह की अगुवाई हेठ अज ये सारा जत्था जा रहा है। महाराज चढ़दी कला रखे वाहेगुरु गुरु नानक नाम ने वा सबनों इस संबंध में लख लख बधाइया हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री हरि दर्शन मंदिर अशोक नगर जालंधर में गोवर्धन पूजा श्रद्धा भाव से करवाई गई, जिसमें पंडित प्रमोद शास्त्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए भक्तों से पूजा करवाई एवं गोवर्धन पूजा के महत्व के बारे में भी बताया। इस मौके पर विधायक रमन अरोड़ा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर किशन लाल खंडवाले, राजकुमार मदान, रमेश लाल अरोड़ा, राजेश कुमार गुप्ता,
प्रीतम सिंह और जॉय मलिक भी परिवार सहित मौजूद रहे। अंत में आए हुए भक्तों के लिए भंडारा भी लगाया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। श्री हरि दर्शन मंदिर अशोक नगर में जो आज गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया है, ये भक्तों को सुख और समृद्धि देने वाले भगवान गोवर्धन महाराज आप सब पर इसी तरह कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सदा सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें और भगवान कृष्ण की, गोवर्धन महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं संदेश के साथ जय श्री कृष्णा। जालंधर छावनी में रामबाग से लेकर अरमानपुर तक स्ट्रीट लाइट का प्रबंध ना होने के कारण मोहल्ला निवासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद जब इस समस्या के बारे में प्रसिद्ध समाज सेवक अजय कुमार पीवल को पता चला तो उन्होंने पहल के आधार पर तुरंत कदम उठाते हुए रामबाग से लेकर अरमानपुर तक स्ट्रीट लाइटें लगवाई और गलियों में खराब पड़ी लाइटों को भी ठीक करवाया, जिस कारण सभी इलाका निवासियों की ओर से समाज सेवक अजय पीवल का आभार व्यक्त किया गया। तो वहीं समाज सेवक अजय पीवल ने कहा कि वे हमेशा से ही लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं और आगे भी लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर हैं। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। आज असी रामबाग तो लेके हरमानपुर तक सारी लाइटां रिपेयर कराइया जी। ये साढ़े गुरुद्वारा साहब तो अच्छा प्रभात फेरी चल रही है, उस करके कई मैं फोन आए थे भाजी साढ़े प्रभात फेरी चल रही है, बड़ा हनेरा होंगे और रात बरात में आने जाने बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो असं MLA साहब ने फोन किया, जिससे उन्होंने पहल के आधार पर अपने MPA की ड्यूटी लाई, मनवीर जी की, अजय जी की, तो उन्होंने पहल के आधार पर अगे आके तो साडा ये काम कराया। और खास तौर पर जिहड़े कारपोरेशन के वर्कर है मैं उन्होंने दिलों धन्यवाद करदा। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कोड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिन्नी सावरिया, चंद्र कन्हैया, डॉली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। हरी सभा में तेरे बच्चे आस डारे, हरी सभा में तेरे बच्चे आस डारे, दर्शन दोहे गौरी नंदन शिव के दुलारे, दर्शन दोहे गौरी नंदन शिव के दुलारे, हरी
सभा में तेरे बच्चे आज पुकारे, हरी सभा में तेरे बच्चे आज पुकारे। ताली दे नाल दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एवं अष्टयाम समिति संजय गांधी नगर की तरफ से फोकल पॉइंट बेअंत सिंह पार्क जालंधर में दीपावली के शुभ अवसर पर श्री राम जी के जीवन को समर्पित एक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली से पहुंचे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी सुश्री दिविशा भारती ने अपनी ओजस्वी वाणी के माध्यम से समाज को प्रभु श्री राम जी के जीवन के साथ जुड़ी लीलाओं के पीछे छिपे रहस्यों के बारे में अवगत कराया। इसके साथ ही दीपावली का सही अर्थ और इससे जुड़े बहुमूल्य विचारों से साध्वी ने आई हुई संगत को निहाल किया। इस मौके पर साध्वी पल्लवी भारती, साध्वी शशि भारती, साध्वी जसपाल भारती, साध्वी रीता भारती ने भजनों का गायन किया। इस मौके पर अष्टयाम समिति के सदस्य मुसाफिर सिंह, पिंटू, संदीप, अवध किशोर, जयप्रकाश, रमेश सिंह, मुल्कराज सहित असंख्य श्रद्धालु भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का आभार व्यक्त करता हाँ कि साढ़े कहने ते उन्होंने प्रोग्राम किया है और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ। सारे कम से कम हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर आए और भजन संध्या का आनंद लिया और अष्टयाम समिति एवं समूह संजय गांधी नगर निवासियों की ओर से मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आने वाले टाइम में हम पूरा प्रयास करेंगे कि इससे भी भव्य प्रोग्राम करें। अष्टयाम समिति संजय गांधी नगर जालंधर की तरफ से फोकल पॉइंट बेअंत सिंह पार्क में दीपावली के शुभ अवसर पर श्री राम जी को समर्पित भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसकी प्रस्तुति के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से साध्वी बहनों का आगमन हुआ। कथा व्यास के रूप में साध्वी सुश्री दिवेशा भारती जी ने प्रभु श्री राम जी की उन लीलाओं के पीछे छिपे रहस्यों को संगत के साथ साझा किया, जिन रहस्यों के द्वारा वह आत्मज्ञान से जुड़ सकते हैं। प्रभु श्री राम भारत की आत्मा हैं, विश्व के प्राण हैं। सुबह की प्रथम गूंज, प्रथम स्वर राम है और प्रभु श्री राम जी की वजह से ही इस संसार का, समाज का, दुनिया का, जगत का अस्तित्व है और उनके साथ कैसे जुड़ा जाए। दीपावली का सही मायने में अर्थ क्या होता है, दीपावली हमें क्या भीतर आंतरिक संदेश देती है, इसके विषय में साध्वी सुश्री दिवेशा भारती जी ने विस्तार से अपने प्रवचनों के जरिए संगत को संबोधित किया। अष्टयाम समिति के द्वारा जो आज ये हम पूजा अर्चना जो हमने किए हुए हैं, उसके तरफ से जो जागृति संस्था हमारी है दिव्य ज्योति जागृति संस्था को बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने हमारे साथ में मिल करके जो यहाँ राम कथा कहे हैं
और हम सोचे भी नहीं थे कि इतना बृहद रूप से ये कथा होगी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के साथ लगते गांव फोलड़ी वाल में कलयुगी पिता ने 6 महीने की बच्ची को मारकर जमीन में गाड़ा, बेटे की थी चाहत। जंडियाला गुरु में गत रात्रि 2 पक्षों में हुई लड़ाई, 5 नौजवान गंभीर रूप से हुए घायल। नाभा की नई जिला जेल में से 4 मोबाइल, 1 ग्राम चिट्टा और 20 ग्राम सुल्फा किया गया बरामद, पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।